आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं सिटी पार्क ऑफ जयपुर, देख सकते हैं आप। ये सिटी पार्क है जयपुर, हम पहुंच चुके हैं और आज के यहाँ पे सारी आपको विजिटिंग करवाएंगे, अंदर घुमाएंगे, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो व्लॉग के अंदर बने रहें, टिकट प्राइजेस वगैरह सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ मैं। ये इसका अपोजिट पार्ट है, वो उसका फ्रंट पार्ट है और अभी फ्रंट पार्ट में हम चलने वाले, टिकट वगैरह बाय करने वाले हैं। ओके, सो चलते हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं इसके इस वाले गेट पे, आप देख सकते हैं ये बैक में आपको जो दिख रहा है ये सिटी पार्क है और इसका टिकट काउंट। तो अभी हम इस साइड चल रहे हैं, अभी राइट साइड के अंदर टिकट, वहाँ जहाँ से टिकट वगैरह बाय करते हैं, टिकट बाय करेंगे फिर अंदर चलेंगे। यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए गए हैं तो अभी पहले टिकट बाय करने चलते हैं। सो गाइस, टिकट काउंटर इस साइड है, इस साइड देख सकते हैं। तो ये टिकट काउंटर है सिटी पार्क, टिकट खिड़की, टिकट खिड़की है गाइस। तो टिकट खिड़की में से हम हमारी टिकट बाय करते हैं और चलते हैं अंदर। सो गाइस, टिकट बाय हो चुकी है। टिकट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 60 रुपीज़ 3 पर्सन के, हम 3 लोग आए हैं और एक है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये पहले जो लेके आपको जो पर्सन ये दिखा रहे हैं ना आपको सारे यहाँ पे पार्क एंट्री फीस 20-50 और ये आप पढ़ सकते हैं। मैं आप ये यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ तो एक बार आपका स्क्रीन शॉट लेके आप चेकआउट कर लेना इसकी सारी चीज़। तो ये हमारी 60 रुपीज़ की 3 टिकट है क्योंकि हम 3 लोग आए हैं, एक नवीन गोला, एक जय गोला, एक अजय गोला। ओके, सो गोला चलते हैं। गोला सो गाइज, अभी राइट नाउ इसके फ्रंट पे हम आ चुके हैं, देख सकते हैं हमारे जो नवीन गोला है वो पिक वगैरह क्लिक करवा रहे हैं और हमारे जो जय गोला हैं वो इनकी फोटो ले रहे हैं। ओके, सो ये इसका जो फ्रंट का एरिया है ये भी बहुत प्यारा है और अपोजिट साइड में जो इसका ये वाला एरिया है आपको अंदर से दिखाने वाला हूँ, पूरा पूरा 50 गज के अंदर जो सिटी पार्क जयपुर के अंदर बनाया गया। सॉरी सॉरी सॉरी, 50 गज बहुत छोटा था, गलती हो गई ब्रो, सॉरी ब्रो, सॉरी 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 ब्रो, सॉरी। ठीक है भाई, तो गलती हो गई भाई, 50 गज नहीं 50 बीघा, गज का मेरे को पता था, मैं बीघा बोलना था। 50 ये हो गया 50 गज, तो ये एक और ये दो, ये होता है 50 गज। ओके, जो भी है यार, अरे जो भी है यार, सुन तो गाइस, 50 बीघा की जो जमीन, सॉरी सिटी पार्क बना हुआ वो दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं अंदर। तो नवीन गोला एंड जय गोला इज कमिंग एंड दिस इज, तो गाइस हमने टिकट दे दिए है और अंकल ने हमारे, ये हमारे अंकल हैं, सॉरी हमारे ये जो सिटी पार्क के सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने टिकट चेकआउट कर लिया तो हम अंदर चल रहे सो गाइस, अभी अंदर एंटर हो चुके हैं। ओके, सो जो अंकल की स्माइल थी वो नेक्स्ट लेवल थी, तो इसका जो हम फ्रंट एरिया में पहुंच चुके हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे आ चुके हैं फाइनली, आ चुके हैं। आजा बोला था, उस मंजिल से स्टार्ट किया था, इस मंजिल तक आ चुके हैं। तो करीबन हमारी 120 किलोमीटर की दूरी थी और वो पूरी हो चुकी है आज। 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की उल्टा क्यों चल रहा है भाई तू? सॉरी ब्रो, उल्टा चलना ऐसे चल। सो गाइस, हम सीधे चल रहे हैं और ये इसका फ्रंट एरिया है तो ये दिखा सकते हैं एक बार आपको। ओके सर, सो गाइस ये चीज़ चेकआउट कर सकते हैं और अभी जो मैं आपको सिनेमैटिक चेकआउट करूंगा वो इसका फ्रंट सिनेमैटिक होगा तो वो अच्छे से देखें। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं सिटी पार्क मुंबई के अंदर, सॉरी जयपुर के अंदर। तो क्या नहीं बोला तूने, नहीं पहले क्या बोला, चल चल चलो जाके इलाज कराओ तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, अभी आपको अंदर का यहाँ का दृश्य दिखाने वाला हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ये इसका फ्रंट एरिया है और ये इसका पानी वाला एरिया है, ये भी बहुत प्यारा है और जो इसका साउंड सुनाई दे रहा है ना और भी प्यारा सुनाई दे रहा है। और ये पूरा का पूरा आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, ये पूरा पूरा चेकआउट कर सकते हैं। सामने आपको तिरंगा दिख रहा होगा तो वहाँ पे भी हम चलेंगे, अभी इस साइड हम, ओके राइट नाउ इस साइड है, ये पूरा का पूरा है। ओके, सभी चल रहे हैं गोला। सो गाइस, जो आपको सामने जो बैलगाड़ी दिख रही है आपको वो, हाँ वो जो भी है तो वो जो भी पहले वो आपको दिख, बैलगाड़ी नहीं है यार, वो कितनी बार बताऊं तेरे को मैं। हाँ तो ये बैलगाड़ी सिटी पार्क का पूरा टूर करवाती है। हाउ मच रुपीस यू टेक ब्रो, हाउ मच रुपीस यू टेक ब्रो, 100 रुपीस पर पर्सन गाइस। सो कोर्ट पहुंच जा, मैं 100 रुपया दो। सो गाइस ये भैया
तो गाइज ये जितना इन्होंने इस बैलगाड़ी के ऊपर खर्च किया, सॉरी ऊंट गाड़ी के 100 रुपए में हम कोटपुतली पहुंच सकते हैं, 100 रुपए में 2% 100 रुपए में 50 रुपए पर पर्सन को कोटपुतली टू मुंबई। गाइज अभी हम इधर आए थे तो आपको दिख रहा होगा, राजू बैठा है, सोनू बैठा है, गन्या बैठा है, और राजू पिंकू मोनू टोनू सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और रामफल बैठे हुए गोला जहाँ मैं खड़ा हूँ। गाइज ये जो झंडे के बिल्कुल पास वाली लोकेशन है, और ये इसकी फ्लैग होस्टिंग वाली लोकेशन भी है जो आपको दिख रही है, यहाँ से फ्लैग होस्टिंग वगैरह की जाती है। ओके 26 जनवरी एंड 15 अगस्त को। ओके आप देख सकते हैं अभी फिलहाल यहाँ के बात करूँ तो सर्दी लग रही है। सर्दी क्यों लग रही है? क्योंकि उस साइड से जो फवारे वगैरह चल रहे हैं प्रेशराइज, जो प्रेशर के हिसाब से चल रहे हैं, वो सारे सारी हवा इधर आ रही है और ज्यादा लग रहा है, बहुत भयंकर। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि नो ज्यादा लग रहा है, इट मीन ज्यादा लग रहा है। ओके ब्रो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। सो नो एंट्री नियर नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग के पास एंट्री इसलिए नहीं है क्योंकि भाई आपको पता है ऊपर चढ़े हैं, कई ऐसे भी होते हैं खंबे के ऊपर चिपक के डांस भी कर सकते हैं, तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेनी। सो गाइज चलते हैं। गाइज अभी हमारी जो मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ, मैं बैक में जा रहा हूँ भाई, पकड़ लेना अगर मैं गिर जाऊँ तो। आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे दो भैंस खड़ी हैं। गाइज आपको दो भैंस दिख रही होंगी मेरे, भैंस नहीं है, कितनी बार बताऊँ क्या है, पता नहीं क्या भैंस नहीं है। तो गाइज दो दो हाथी पीछे खड़े हैं, और ये जो सिंगो वाले दो हाथी हैं, वो हाथी भी नहीं है, फिर क्या है चल देखते हैं। सो हेलो सर, कैसे हो? बस भाई मजा। तो सर ये है क्या वैसे, बताओ किसके? वो तो हिरण है, मतलब ओनली पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लगाया गया, कोई इसका मैसेज भी है? भाई यार पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लगाया गया है, वो तो वैसे जंगल के लिए पड़ती, वो बड़ा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइज अभी भाई ने बताया, भाई गुड नेम दारा सिंह चौधरी, दारा सिंह चौधरी भाई ने हमें बताया है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लगाया गया और हिरण है, तो वो थोड़ा सा मजाक के लिए था, उसको सीरियस मत लेना कि मैंने भैंस बता दी थी पीछे भैंस खड़ी है, वो थोड़ा ऐसे मजाक के लिए था। ओके सो आपको दिख गया होगा ये हिरण है, और ये एक नेचुरल के लिए बताया गया है, मतलब नेचर के। देखो पौधे पौधे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा वहाँ पे, मतलब बच्चे बैठे हुए थे पेड़ को पकड़ के, तो मतलब अलग अलग मैसेज दिए गए इस पार्क के अंदर, वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके सो अभी आपको आगे लेके चलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएंगे, और जैसे कि अभी दारा सिंह भाई ने बताया कि यहाँ पे पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं आपको। ओके सो और आगे चलते हैं। गाइस अभी हम इस साइड आए थे, जिस साइड एक सीढ़ी के ऊपर दो बच्चे लटक रहे हैं, सॉरी आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वो जो दो और बच्चे हैं ना उनके लिए बोल रहा हूँ। तो वो दो बच्चे हैं, ये चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट चढ़ नहीं पा रहे हैं, वो रास्ता आगे खत्म कर दिया था सीढ़ी वालों ने, तो एक दूसरे भाई का साथ दे रहा है, तो अभी हम यहाँ पे आए, तो ये वाली लोकेशन हमें अच्छी लगी इसलिए हम आए थे, और अभी हम जा रहे हैं। गाइस अभी जो बच्चे खड़े थे ना जो उस सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, तो अभी उसी के साइड में एक दीदी भी थी, उसका पैर फंसा हुआ है, तो यहाँ पे एक दीदी भी है उसका पैर फंसा हुआ है यहाँ पे, तो अभी मैं निकाल तो नहीं सकता बट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आई थिंक वो बच्ची खेल रही थी तो इसका पैर फंस गया था यहाँ पे, अब पता नहीं खेला वैसे ही खेला जाता है इसको। और यहाँ पे गाइस एक बहुत अच्छी चीज दिखी है, इसका नाम नहीं पता क्या है बट अच्छा लग रहा है, तो मतलब एक मैं इस साइड फ्रंट से आपको दिखा देता हूँ। ओके सो आपको फ्रंट से दिख रहा होगा, ये नाम नहीं पता क्योंकि नाम वगैरह दिया हुआ नहीं है इसका क्या नाम है। सो अभी इस साइड हम आगे चल रहे हैं, आगे की साइड उनके फोटोशूट वगैरह कंप्लीट हो चुका है, और आगे चल के और या यहाँ की लोकेशंस वगैरह आपको चेकआउट करवाता हूँ मैं। ओके गाइस अभी जहाँ पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग खड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे भाई खड़े हैं, और क्यों खड़े हैं मेरे को नहीं पता। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 ये सारे अजय के भाई हैं, ये सारे अजय के भाई हैं, ठीक है तेरे भाई हैं, मतलब सॉरी ये मेरे भाई हैं, तो आज से मेरे भाई। नाम क्या है? नाम एक का नाम गोला, एक का नाम गोला,
एक का नाम सोला, एक का नाम चिंकू मिंकू टीना टीना पीना जो भी है। ओके गाइस, इन सारों के नाम है और ये आपको दिख रहे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे लगे हैं। ओके, तो अभी यहाँ से हम चलते हैं और हम चल रहे हैं आगे की साइड, और आगे की साइड चल के और मैं आपको आगे के लोकेशंस और व्यू वगैरह चेकआउट करवाऊंगा। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। सो गाइस, अब टाइम हो चुका है घर जाने का, मतलब घर जाने का हमारा टाइम ओवर हो चुका है और इनका फोटोशूट भी कंप्लीट हो चुका है। और जो यहाँ पे पब्लिक की मैं बात करूँ तो भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखो लोकेशन ऐसी बनाई है देखो, तो भीड़ बढ़ना मतलब कॉमन है। ओके, अरे ऐसी चीज़ें यहाँ पे, मतलब लोग आ रहे हैं, कोई फैमिली विजिट करने आ रही है। अभी रिसेंटली भी एक फैमिली मिली थी, फोटोशूट वगैरह चल रहा था, हमने भी हेल्प की उनकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने में। यहाँ के जो पानी की साउंड है ना, वो आप सुनना, बहुत प्यारा साउंड आपको सुनेगा, मेरी आवाज़ से ज़्यादा पानी का साउंड सुन रहा होगा आपको, सुनो एक बार। गाइस, ये इसका एंड गेट है और वो साइड जो आपको दिख रही है ना, वो पार्किंग है, मतलब उस साइड गाड़ी वगैरह पार्क होती है, फिर इस साइड से हमें आना होता है। तो ये सारा आने और जाने का आपको दिख गया होगा, और अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको चेकआउट करवाई हैं, और ये इसका फ्रंट गेट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी बाहर चलते हैं और अगर कुछ पकड़ा क्यों बंद करी नहीं था। सो गाइस, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो मैंने चीज़ें विजिट कराई, जो भी आदमी वगैरह, जो भी आपने, जो भी चीज़ आपने देखी होगी। और वैसे यहाँ पे कुछ पर्संस में जो गाने वगैरह गा रहे हैं, और भी चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, और इसका जो फ्रंट व्यू है, बैक व्यू है, पूरा का पूरा है। ठीक है, वो आपको अच्छा लगा होगा। और सो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।